मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया हनुमान महाराज का जन्मोत्सव। नगर के प्रमुख मार्गों से निकला चल समारोह, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में श्री सिद्ध क्षेत्र करेली धाम हनुमान मंदिर पठारी में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम व बड़े ही भव्यता से मनाया गया। तालाब के पास स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र करेली धाम हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इसके अलावा हनुमान जी की शोभा यात्रा एवं भोपाल के कलाकारों द्वारा राम दरबार लगाया गया। पूरे नगर के प्रमुख मार्ग तालाब रोड, मेन मार्केट, बस स्टैंड, बड़ी माता मंदिर, हरछठ माता मंदिर होती हुई वापस करेली धाम पहुंची, जहां गांव वासियों एवं क्षेत्र वासियों ने जगह जगह शोभा यात्रा एवं श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। तदुपरांत भंडारे के प्रसाद का वितरण किया गया, जो करेली सरकार की इच्छा अनुसार शाम तक चला। इसके पश्चात सुंदरकांड का पाठ एवं 7:30 बजे हनुमान महाराज जी की संगीतमय भव्य महाआरती के कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें राजेन सिंह ठाकुर, देवेंद्र सिंह ठाकुर, राजेश रिचारिया, बलराम सिंह यादव, राजेश व्यास, मनोज नामदेव, अमित सहेले, मनोज रिचारिया, चेतराम साहू, अजय सिंह, केसु साहू सहित अन्य भक्तों ने कार्यक्रम में सहयोग किया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से तहसीलदार रमेश मेहरा, थाना प्रभारी दीपक राठौर सहित पूरी टीम हर तरह से मुस्तैद रही। विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जय सियाराम, जय सियाराम। आप सभी को विदित है कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री करेली धाम में श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें अखंड रामायण पाठ का पठन हो रहा है और साथ में ही सुबह उनकी आरती हुई। उसके बाद चल समारोह निकला। चल समारोह में भोपाल के कलाकारों द्वारा भव्य राम दरबार बनाया गया और उसको चल समारोह में सम्मिलित किया गया। चल समारोह सारी पठारी नगरी में से निकलती हुई जगह जगह राम जी के अनंत भक्त हनुमान जी महाराज का पूजन हुआ और ये मुख्य मार्गों से होती हुई बड़ी माता मंदिर होते हुए थाना ग्राउंड से वापस करेली धाम पहुंची। वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया।